Yes. You? I am Rajdas Sahai, son of Mr. Ramakant Sahai. You can call me Raju. De diya na jhatka. What a pleasant surprise. अगर मुझे मालूम होता कि मुझे देखकर तुम्हारे चेहरे पे हजार वोट की मुस्कान फैल जाती तो मैं कब का आ चुका होता। बहुत झटके देना सीखकर आए हैं आप। ए, तुम तो दरवाजे भी फ्रीज हो गई और मैं तुम्हारी खातिर सात समुंदर पार करके आया हूँ। अंदर नहीं बुलाओगी? ओह गॉड, कम इन। पापा देखो कौन आए हैं। कौन है बेटा? हाय अंकल। अरे राजू माय सन। अरे 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 ठंड पड़ गई। कुछ कर दिया बेटा। लेकिन ना कोई खबर ना कोई फोन आने की। अंकल अगर खबर कर देता तो यूं गले मिलकर आपके सीने में ठंड कैसी पड़ती। तुझे देखकर लगता है कि रमा मेरे सामने खड़ा है। आया नहीं वो? हमेशा की तो लास्ट मोमेंट उनकी मीटिंग निकल आई। शाम की फ्लाइट से आ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा डैड मैं नहीं रुकूंगा। एक बार तेज हवा बाहर का रुख ले लेती तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। राइट काजल? राइट। वैसे मैंने इंडियन मेहमान नवाजी के बारे में काफी सुना है। अच्छा? कुछ ठंडा कुछ गर्म। इट्स ओके, जिंदगी पड़ी है। राइट अंकल? तुम लोग बातें करो, मैं अभी आया। ओके अंकल। राजू बैठिए ना। काजल तुम्हारे घर को देखकर ऐसा लगता है कि अपने बंगले का भी काम काफी फैंटास्टिक हुआ होगा। कोशिश की है, शायद आपको पसंद आए। तुम्हारी हर पसंद को मैं अपनी पसंद बना लूंगा, तुम देखती तो जाओ। हमने तो हमेशा आपको तस्वीरों में ही बड़े होते हुए देखा है, लेकिन हम नहीं जानते थे कि आप इतने बातूनी भी होंगे। और मैंने तुम्हें अपने ख्यालों में जवान होते हुए देखा है, लेकिन मैं जानता था कि तुम इतनी खूबसूरत होगी। ओह, आपसे बात करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। 10 नहीं 11 बार। बेटा रमा की फ्लाइट का टाइम क्या है? अंकल उसमें बहुत टाइम है। पहले तो अपने बंगले की शॉपिंग करेंगे काजल की पसंद से, उसके बाद किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे काजल की पसंद से, उसके बाद कोई नाच गाने से भरपूर हिंदी पिक्चर देखेंगे वो भी काजल की पसंद से, और फिर उसके बाद हम डैड को रिसीव करने एयरपोर्ट जाएंगे। क्यों? काजल की पसंद से। लेकिन इस बीच मुझे कॉलेज छोड़ना मत भूलना। अंकल ये काम तो मैं सबसे पहले करने वाला हूँ। काजल नहीं मेरी पसंद से। क्यों? चलिए ना। ए, कोई फ्रेंड है क्या? नहीं तो कोई नहीं। अंकल की फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चलो ना। ओके। एक्सक्यूज मी, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज? दैट सिद्धांत। रमा, रमा कैसे हो यार? आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। सिद्धांत मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ गया। नमस्ते अंकल। काजल, सिद्धांत, अपनी बेटी तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लगती है। थैंक यू। तुझे याद है जब तू बच्ची थी तो सारा सारा दिन तितलियों के पीछे भागती थी, याद है तुझे? डैड आज के तितलियों के पीछे नहीं, आज के लिए मुझे अपने आगे पीछे भगा रही है। वेलकम बैक टू इंडिया मिस्टर सहाय। थैंक यू पीतांबर, थैंक यू। गोवर्धन क्या हाल है? एकदम फिक्स रमा भाई। वो चौधरी साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। आई सी। राजू तुम अंकल और काजल के साथ घर चलो, मैं भाई साहब से मिलकर आता हूँ। राइट डैड। एक्सक्यूज मी, लेट्स गो जेंटलमैन। भाई साहब। अरे रमाकांत। भाई साहब हाउ आर यू? हाउ आर यू रमा? अरे तुम तो बिल्कुल नहीं बदले, एज हैंडसम एज एवर, जैसे 25 साल पहले थे जब तुम मेरी बहन को ब्याह के ले गए थे। भाई साहब आप भी तो नहीं बदले, आज भी चेहरे पे वही चमक है। रियली? अब तो दुगनी हो गई साहेब बाबू। कॉमन सेंस की बात है आप जो आ गए। बेशक इसके एनआरआई बनकर लौट आने से हमारी सारी काली दौलत मोतियों सी सफेद बनकर जो वापस लौट आई है। वो भी टैक्स फ्री। हाँ यस यस ऑफ कोर्स, इसलिए मैं अपना सारा बिजनेस समेट कर हिंदुस्तान आया हूँ, इस मुल्क में सबसे बड़ा शिपिंग कॉर्पोरेशन खोलने। वाह क्या फिक्स किया है? अब कश्ती में नहीं जहाजों में अपना माल भर भर कर आएगा। कॉमन सेंस की बात है गोवर्धन, समुद्र में मगरमच्छ उतर आए तो छोटी मछलियां खुद ब खुद किनारे लग जाती हैं। गुड गुड गुड। आओ बैठो। रमा
मैंने तय कर लिया है कि हमारी शिपिंग कॉरपोरेशन का सरमाएदार होगा राजनाथ सहाय, मेरा भांजा राजू। बराबर फिक्स किया आपने चौधरी साहब। कॉमन सेंस की बात है, अब कल की बागडोर नई जनरेशन को ही संभालनी चाहिए। आप सबने मेरे दिल की बात सुन ली। बस राजू का एक सपना है जिसे मैं बहुत जल्द साकार कर दूंगा। यस, चीयर्स, चीयर्स। 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419। अरे बैठना ठीक तरह से, उतरा क्यों है? अच्छा अच्छा बैठता हूँ। अरे तेरे वजन को क्या हो गया? वो पानी पी लिया था ना इसलिए। नाराज हो हमसे? सच्ची? कहाँ थी कल, आई क्यों नहीं? एक दिन नहीं मिली तो इतना गुस्सा, कल को कोई दूसरा हमें ब्याह ले गया तो? काट के रख दूंगा उसे और खुद भी टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा, लेकिन तुझे अपने आप से अलग होने नहीं दूंगा। इतना प्यार करते हो हमसे? हाँ बहुत प्यार करता हूँ तुझसे। अगर मैंने कुछ पाया तो तुझे, तेरे प्यार को, तू समझ रही है ना? अगर तू नहीं मिली तो यहाँ बहुत दुखता है। क्यों दुखता है? हाँ क्यों दुखता है? बस कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। याद है कि राजू की माँ और मेरी भाभी ने दोनों बच्चों के लिए कुछ सपने देखे थे। Come on, Dad, आप बात को लंबा क्यों कर रहे हैं? Come to the point. मेरे पास ये पगला मगर इकलौता बेटा है जिसे अकलमंद बनाने के लिए मेरी हर कोशिश नाकामयाब रही। Good joke. बस एक ही रास्ता है, अगर राजू की शादी हम अपनी काजल से करते हैं। हाँ सिद्धांत, दोस्ती के नाम पर इस घर की महक से अपने यार का घर महका दे। यार तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हाय राजू। हाय काजल। लगता है ये दोनों दोस्त मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हैं। खिचड़ी तो पक चुकी है, अब सिर्फ खाना बाकी है। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटी। बच्ची, रमा ने तुझे अपनी बेटी बना लिया है। मैं तो अंकल की बेटी हुई है ना अंकल? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। नहीं, लेकिन आज बेटी के साथ साथ तुझे अपनी बहू बनाने का भी फैसला किया है। काजल मेरी बेटी पहले और बहू बाद में। काजल कहाँ चली बेटा? अरे भाई शर्मा गई, यही शर्म हया बड़ों का मान, अपने इन्हीं संस्कारों के लिए मैं तरस गया था। काजल बेटी के साथ साथ एक बहुत बड़ी मर्यादा मेरे घर आएगी। बस सिद्धांत अब शादी की तैयारी हो जाए। डैड, अंकल, कल ही काजल और मैं कंप्यूटर से एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेते हैं, 2-in-1, यानी मंगनी और शादी दोनों साथ साथ। एनी प्रॉब्लम्स? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं जरा काजल से पूछ के आता हूँ। अकेले में मिलने का अच्छा बहाना है। अच्छा अपने दिन भूल गया। तेजी ना झटका। कल मुहूर्त निकलवाने चलना है, हमारी शादी भी एक यादगार होगी, प्यार करने वालों के लिए एक मिसाल। ए तुम रो रही हो? समझा, तुम इंडियन लड़कियां भी बड़ी कमाल होती हो, बात चाहे विदाई की हो या प्यार के इंतहा की, तुम अपनी खूबसूरत आंखों में आंसू भरकर दूसरों की नींद उड़ा लेती हो। ए डोंट क्राई। ए कहीं कुछ और बात तो नहीं है ना? हा? वैसे बुद्धराम तुम्हें कैसा लगा? हा? मैं सुधर जाऊंगा, शादी के बाद मैं एकदम पत्नी व्रता इंडियन पति बन जाऊंगा, आई स्वेयर। खुशी के मौके पर रोते नहीं। ए, तुम्हारी चीज सुलाने जा रहा हूं, तुम्हारे सपने जॉब मेरे हैं। आई लव।